हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट थ्री। फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अभी सोशल मीडिया के माध्यम से डिग्री पार्ट थ्री के एग्जाम से रिलेटेड एक पोस्ट देखने को मिली होगी, तो आखिर उस पोस्ट की सच्चाई क्या है? क्या सच में यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट थ्री के छात्रों के लिए एग्जामिनेशन रूटीन जारी कर दी गई है? इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बारीकी से इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एलएनएमयू यूनिवर्सिटी से जुड़ी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो बगल में घंटी के निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। अब दोस्तों मैं आपको जो पोस्ट वायरल हो रही है उसकी सच्चाई के बारे में बताऊं, तो जैसा कि आप सभी को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल गया होगा, अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डिग्री पार्ट थ्री एवं पार्ट वन के छात्रों के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगी एक ही साथ होगी और एग्जाम भी एक ही साथ ली जाएगी। इस बार का ऐसा पैटर्न रखा जाएगा। तो इसमें डेट जो दी गई है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, वो 2 तारीख से 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 22 अप्रैल तक जो फाइन डेट होता है उसके साथ ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगी। तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जिस चीज के रिगार्डिंग आप केवल एग्जामिनेशन फॉर्म 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक फिलअप करेंगे, उसका एग्जाम क्या 23 अप्रैल से संभव है? बिल्कुल नहीं है। जो कि पोस्ट में आपको दिख रहा होगा कि 23 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, उसका सारा रूटीन सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं ये जो पोस्ट वायरल हो रही है ये बिल्कुल गलत है। किसी ने हो सकता है जो पहला रूटीन होगा पिछले का उसमें बस ईयर चेंज कर दिया होगा, 2020 के जगह पे 2021 अर्थात 2021 कर दिया है, और चूंकि आज 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल से अप्रैल फुल डे के रूप में मनाया जाता है, तो किसी ने मजाकिया रूप में इस चीज को वायरल कर दिया है, जो कि जिससे छात्रों के बीच में बहुत ही ज्यादा भ्रम आ चुकी है। तो इसी को मैंने क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं, क्योंकि आप जान सकते हैं जब 22 अप्रैल तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगी तो लगभग 10 दिनों का वक्त उनके एडमिट कार्ड को भी आने में लग सकता है। वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, जिसे आप संभावित तिथि कहते हैं, वो 26 अप्रैल से रखी गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये 26 अप्रैल से एग्जाम तो आपका नहीं होने वाला है, हो सकता है उसमें कुछ डेट एक्सटेंड करके मई के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद 5 से 10 दिनों का वक्त एडमिट कार्ड जारी होने में लगेगा, उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकती है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो कि मैंने आपको क्लेरिफिकेशन कर दिया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।